क्लास सेवेंथ हिंदी पाठ दस इलातू वलापिल श्रीधरन। आज हम पढ़ेंगे जीवनी इलातू वलापिल श्रीधरन। दिसंबर 1964 में आए भयंकर समुद्री तूफान में वह पुल उड़ गया जो रामेश्वर को तमिलनाडु से जोड़ता था। इस पुल के ना रहने से तीर्थयात्रियों का रामेश्वर पहुंचना कठिन हो गया। केंद्र सरकार ने रेलवे को सलाह दी अगले 6 महीने में पुल फिर से काम योग्य बना दिया जाए। रेलवे ने अपने युवा इंजीनियर इलातू वलापिल श्रीधरन को ये काम सौंपते हुए निर्देश दिया कि पुल को 3 महीने में तैयार करवाना है। काम के धुनी श्रीधरन ने पुल का निर्माण 40 दिनों में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस अविश्वसनीय कारनामे के लिए रेलवे ने अपने इस युवा इंजीनियर को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीधरन की बेजोड़ कार्यशैली का ये इकलौता उदाहरण नहीं है। असंभव लगने वाले काम को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम पूरा करने का ये सिलसिला आज भी जारी है। श्रीधरन को कोचीन शिपयार्ड का प्रबंध निर्देशक और चेयरमैन बनाया गया। इसके कार्यकाल में इस कंपनी का पहला जलयान पद्मिनी बना भी और उसे समुद्र में भी उतार दिया गया। भारत की पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के दौरान श्रीधरन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी तरह की इस पहले सार्वजनिक परिवहन सेवा की योजना बनाने, उसे डिज़ाइन करने और योजना को कार्यरूप देने में श्रीधरन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली मेट्रो सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। जमीन के नीचे कब सुरंगें बनी, वहाँ से निकला मलबा कब कहाँ गया, ये तो कोलकाता के लोग तक नहीं जान पाए। सबने एक दिन दूरदर्शन पर जो देखा वह ये था कि बंगाल की सभी प्रमुख विभूतियाँ मेट्रो के डिब्बे में से खुश खुश बाहर आ रही हैं। यही है श्रीधरन की कार्यशैली। बिना किसी को हैरान किए, बिना किसी शोर शराबा किए अपने हिस्से के काम को अंजाम देना। केंद्र सरकार कोंकण को रेल लाइन से जोड़ना चाहती थी। 760 किलोमीटर लंबी इस रेल पर 150 पुलों की और 93 सुरंगों का निर्माण होना था। असंभव लगने के कारण इस योजना को कई बार टाल दिया गया। ये काम श्रीधरन को सौंपा गया। इसके लिए भारतीय रेल ने पहली बार बनाओ चलाओ और वापस करो, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र जैसी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अपनी तरह की योजना और विशेष मानी जाने वाली इस परियोजना को श्रीधरन ने 7 साल में पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कोंकण रेलवे का पूरा काम होते न होते श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाने का काम सौंप दिया गया। दिल्ली के लोग ये सोचकर खुश थे कि अब हमारे शहर में भी मेट्रो चलेगी। वह ये सोचकर दुखी भी थे कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह यातायात का व्यवधान पड़ेगा, मिट्टी के ढेर लगेंगे, वह मिट्टी उड़कर आंखों में पहुंचेगी। वह अपने अनुभव से ये जानते थे कि जब किसी सड़क पर कोई निर्माण या मरम्मत का काम होता है तो कई दिनों तक तो केवल बोर्ड ही लगा रह जाता है, फिर खुदाई होती है, फिर आधा अधूरा निर्माण, उसके बाद बहुत ही दिनों तक मलबा पड़ा रहता है। जब तक मलबा हटता है वह निर्माण या मरम्मत फिर से जर्जर हो चुकती है। श्रीधरन ने सबसे पहले तो अपनी कार्यशैली से इसी पहलू पर चौंकाया। मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं ज़मीन के सैकड़ों फुट नीचे तो कहीं ज़मीन के दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य चलता रहा, पर मजाल है कहीं भी यातायात की आवाजाही पे जरा भी खलल पड़ा हुआ हो। ज़मीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए मीलों खुदाई हुई, मिट्टी के टीले निकले, पर वे रातों रात कहाँ गए, कैसे गए, किसी ने नहीं देखा। सुबह ऐसी किसी भी सड़क पर एक मुट्ठी मिट्टी भी पड़ी दिखाई नहीं दी, जिसके नीचे रातों को ट्रकों मिट्टी खोदी गई हो। यही हाल ज़मीन के ऊपर के हिस्सों का हुआ। पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े खंभे, पटरी बिछाने वाले, अधबने पुल, मजदूर आदि भी आते रहे और वाहन भी अपने रास्ते पर पहले की तरह आते जाते रहे। किसी को परेशानी में डाले बिना
अपने काम को अंजाम देना, काम को समय पर पूरा करना, अनुमानित लागत से कम में पूरा करना और अपने सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना श्रीधरन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें विशिष्ट और अनुकरणीय बनाती हैं। इन्हीं आदर्शों का परिणाम ये होता है कि सरकारी क्षेत्र में होने के बावजूद वे योजनाएं समय से पहले और निर्धारित लागत से कम पूरी भी होती हैं और उच्च कोटि की भी होती हैं। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद देश के अन्य प्रमुख महानगरों और शहरों में भी मेट्रो रेल का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीधरन इन परियोजनाओं के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के कार्यक्रमों में सक्रियता से भागीदार रहे। 12 जून 1932 को देश के सबसे हरे भरे और साक्षर प्रदेश केरल के पलक्कड़ जिले के गांव करुकारा पत्थर में जन्मे श्रीधरन 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी हाथ रखकर नहीं बैठे। अपनी पत्नी की माता श्री के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अब उनकी सेवा में ही अपना समय बिताएंगे। श्रीधरन का गृह राज्य और द्वितीय सेवाओं के लाभ उठाने का अवसर नहीं गंवाना चाहता था। केरल सरकार ने उन्हें निवास पर एक दफ्तर बनाकर कोची मेट्रो रेल परियोजना का काम सौंपने में जरा भी देर नहीं लगाई। कर्म को ही जीवन मानने वाले और अपने धुन के धुनी श्रीधरन इन जिलों अपने सासू की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ कोची रेल परियोजना को मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। आइए अब करते हैं अभ्यास वर्क। मौखिक उच्चारण कीजिए। रामेश्वरम, अनुमानित, कार्यशैली, कोंकण, विभूतियाँ, श्रीधरन, व्यवधान, मरम्मत, निष्ठा, अनुकरणीय, शुश्रूषा, मूर्त रूप। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। विभूति, प्रसिद्ध व्यक्ति। व्यवधान, रुकावट। मूर्त रूप, आर, सार्वजनिक, सबके लिए। अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य। सक्रियता, फुर्तीला। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, रामेश्वरम में समुद्री तूफान कब आया? उत्तर, 1964 में। कोचीन शिपयार्ड कंपनी के पहले यान का क्या नाम था? पद्मनी। दिल्लीवासी क्या सोचकर दुखी थे? दिल्लीवासी ये सोचकर दुखी थे कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह पर यातायात का व्यवधान होगा, मिट्टी के ढेर लगेंगे और मिट्टी उड़कर आंखों में पहुंचेगी। दिल्ली के लिए श्रीधरन ने क्या योगदान दिया? उत्तर, दिल्ली के लिए श्रीधरन ने अपनी अनोखी और विशेष मानी जाने वाली परियोजना को 7 साल में पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, रामेश्वर पुल निर्माण में श्रीधरन ने मिसाल कैसे कायम की? उत्तर, अपने काम में धुनी श्रीधरन ने पुल का निर्माण 46 दिनों में पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लगने वाले काम को समय सीमा से पहले और अनुमानित लागत से कम में पूरा करने का ये सिलसिला आज भी जारी है। कोंकण रेल परियोजना असंभव क्यों लग रही थी? उत्तर, क्योंकि कोंकण रेल परियोजना 760 किलोमीटर लंबी, 150 पुलों और 93 सुरंगों का निर्माण होना था, जो असंभव सा लग रहा था। दिल्ली मेट्रो निर्माण में श्रीधरन की क्या कार्यशैली थी? श्रीधरन ने सबसे पहले अपने कार्यशैली से सबको चौंकाया। मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं जमीन के सैकड़ों फुट नीचे तो कहीं जमीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य चलता रहा। मजाल है किसी को भी यातायात आवाजाही का जरा भी खलल पड़ा हुआ हो। जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए खुदाई हुई, मिट्टी के टीले निकाले गए। रातों रात कहाँ गए, कैसे गए, किसी को दिखाई नहीं दिया। एक मुट्ठी भी मिट्टी दिखाई नहीं पड़ती थी जिसके नीचे रातों रात ट्रकों मिट्टी खोद दी गई हो। यही हाल जमीन के ऊपर हुआ। पुलों के निर्माण के लिए बड़े बड़े खंभे, पटरी बिछाने वाले अधबुने पुल, मजदूर आदि भी आते जाते रहे। वाहन भी अपने रास्ते पर पहले की तरह आते जाते रहे। घ, श्रीधरन की कार्यशैली की क्या विशेषता है? उत्तर,
किसी को परेशानी डाले बिना अपने काम को अंजाम देना, काम को समय पर पूरा करना, अनुमानित लागत से कम में पूरा करना और अपने सहकर्मियों में भी काम के प्रति लगन और निष्ठा पैदा करना श्रीधरन की विशेषताएं हैं। अण केरल ने श्रीधरन की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए क्या किया? उत्तर, केरल सरकार ने उनके निवास पर एक दफ्तर बनाकर कोची मेट्रो रेल योजना का काम सौंपने में जरा भी देर नहीं लगाई। नंबर 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पुल समुद्री तूफान में कब उड़ गया था? उत्तर, सन 1964 में। खा श्रीधरन को किसका प्रबंध निर्देशक बनाया गया? उत्तर, कोचीन शिपयार्ड का। ग श्रीधरन का जन्म कब हुआ था? उत्तर, सन 1932 में। घ पहली मेट्रो सेवा के लिए कौन सा शहर चुना गया? उत्तर, कोलकाता। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का श्रीधरन के गृह राज्य का नाम क्या था? उत्तर, केरल। प्रश्न नंबर 2, गृह राज्य ने उन्हें क्या काम सौंपा था? उत्तर, कोची मेट्रो रेल परियोजना का। श्रीधरन इन दिनों कहाँ रह रहे थे? उत्तर, केरल में। श्रीधरन इस समय किस कार्य में जुटे हुए हैं? सासु माँ की सेवा शुश्रूषा में और साथ साथ कोची रेल परियोजना की मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों के वर्णों का अलग अलग करके लिखिए। श्रीधरन, श प्लस र प्लस ई प्लस ध प्लस आ प्लस र प्लस आ प्लस ना प्लस आ। श्रीधरन। व्यवधान, व प्लस अ य प्लस आ प्लस व प्लस आ प्लस ध प्लस आ प्लस ना प्लस आ। स्वास्थ्य, स प्लस व प्लस आ प्लस स प्लस ध प्लस य प्लस अ। सुशुश्रा, स प्लस उ प्लस स प्लस र प्लस उ प्लस श प्लस आ। यात्रियों, या प्लस आ प्लस ता प्लस र प्लस ई प्लस य प्लस ओ। प्रश्न नंबर 8, इत प्रत्यय से शब्द बनाइए। सम्मानित, लज्जित, अपमानित, निंदित। एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। नैतिक, दैनिक, वार्षिक, धार्मिक। इन प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। सुनारिन, गवारिन, मल्हारिन, ललायन। प्रश्न नंबर 10, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मित्रों के साथ माल घूमने गया था। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। रात हो गई है, अब आप यहीं रहिए। नीचे ज़मीन पर मत बैठो। ये क्या हुआ? पहले तो फिर तुम जाओगे, फिर छोटा भाई। सेहत का ख्याल रखो वरना बीमार पड़ जाओगे। घर का कूड़ा बाहर फेंकते हो। दामनी अब पहले से ठीक ठाक है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। प्रश्न नंबर 10, दिए गए अवतरण में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। ये आप स्वयं कीजिए। प्रश्न नंबर 11, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर पहेली से छांट कर लिखिए। का राज्य के प्रशासन से संबंध रखने वाला प्रशासनिक, जो अपनाने के योग्य हो अनुकरणीय, जो विश्वास के योग्य ना हो अविश्वसनीय। किसी कार्य पर होने वाला खर्च, लागत, कई चरणों में कार्य का बंटवारा करना परियोजना, काम को भौतिक रूप में शुरू करवाना कार्य रूप।